Hello students, my name is Ayush Gupta and today I am again with you for the second lecture of class 8th, as we have discussed the first lecture and this is second lecture of your class. Okay, so here we will discuss about the second part of your chapter 1, which was computer system. So without wasting our time, let's start. First of all, instructions. What you have to do, actually you have to present in the class with the pen and paper. You should have a copy in which you should write your doubts. You can create your own notes if you want, and I think it's clear to you. And this is my pick, so let's start. So it's lecture 2 by me, and if you know who is it, just comment it, and if you know about him, just comment it. Okay, so it is me, my name, and I know this section will be covered by video, but it Ayush Gupta. Okay, so now is the introduction. I am using your My Bits and Bytes book, Army edition, book of class 8, and this is chapter 1 in which we are going to study. And the solution I will provide in your group, and everything I will discuss about this video in group. So don't worry, don't panic, we have a lot of time. We will study very precisely, very good, very slowly, so you will get better understanding. Okay, हम बहुत तेजी से आपको पढ़ाएं और एक ही दिन में सारा चैप्टर खत्म कर दें और आपको समझ में ना आए तो मेरे पढ़ाने का कोई मीनिंग नहीं है. So without our wasting time, let's start. Okay, so at the last time we was discussed this storage capacity. हमने स्टोरेज कैपेसिटी को डिस्कस कर लिया था. From today I will start versatility. What is your versatility? A computer can perform repetitive jobs efficiently. मतलब क्या है, कई तरह की जॉब्स को, अलग अलग तरीके की जॉब्स को ये परफॉर्म कर सकता है efficiently. क्या कर सकता है बेटा, efficiently कर परफॉर्म कर सकता है. It can work in the area where the human brain cannot manage. जहाँ पे human brain काम नहीं कर सकता वहाँ पे भी काम कर सकता है. जैसे कि very fast moving object, जैसे कि आपने कभी देखा होगा discovery वगैरह में सांप वगैरह होते हैं ना, स्नेक्स वगैरह. जब स्नेक्स क्या करता है, बाइट करता है. कौन सी बाइट होती है वो, बी आई टी. जब बाइट करता है ना, बी वाई टी ना कर देना बेटा. जब बाइट करता है तो क्या होता है, वो हमें इजिली दिखा पाते हैं. क्यों दिखा पाते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होती है बेटा, स्लो मोशन टेक्नोलॉजी होती है. स्लो मोशन के कैमराज होते हैं. सो बाय विच कैमराज, स्लो मोशन कैमराज, व्हाट इज कॉल्ड स्लो मोशन SM कैमराज. ठीक, स्लो मोशन कैमराज क्या करते हैं, स्लो मोशन कैमराज आपके उसको रिकॉर्ड कर पाते हैं. नॉर्मल आपका मोबाइल का कैमरा या मेरे मोबाइल का कैमरा या नॉर्मल DSLR इस फॉर्मूले को नहीं कर सकता, उतना स्लो नहीं जा सकता. तो ये काम क्या है, ये काम जो है हमारे ह्यूमन ब्रेन की तो पावर है भैया, कि कैसे वो डस लेता है सांप आपको, कैसे एक स्नेक आपको बाइट कर लेता है. और उसको हमने कैसे जान लिया, हमने उसको जान लिया एक कंप्यूटर की मदद से. किसकी मदद से बेटा, एक कंप्यूटर के हेल्प से. दे कैन ऑल्सो वर्क विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन लाइक ग्राफिक्स, विजुअल, ऑडियो विजुअल एंड कैरेक्टर्स. सो सपोज डैट हमारे पास एक फोटो है, क्या बेटा ये एक पिक है, सपोज डैट एक ह्यूमन की पिक है, एंड वी हैव अनदर पिक. ठीक, सपोज डैट दीज टू पीपल्स आर थीफ, दीज टू पीपल आर थीफ, एंड नाउ वी हैव टू मर्ज, सॉरी वी हैव टू चेक दिस इमेजेस फॉर ऑल द पॉसिबल कंडीशंस. मतलब मान लो हमारे हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग हैं. कितने बेटा, 130 करोड़ लोग हैं, जिसमें से अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग होंगे. तो मान लो कि हमारे पास 30 करोड़ लोग हैं जो कि इनकी एज ग्रुप के हैं. अब इस 30 ग्रुप में से तुम्हें हम दे देंगे बेटा इन लोगों को पहचान के अलग करो, और तुम्हें 30 करोड़ फोटो दे दें, तो क्या कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे. लेकिन क्या, एक कंप्यूटर इसको बड़ी इजिली कर लेगा. तो वर्सेटिलिटी का मतलब ये होता है कि काफ़ी हाई लेवल पे अलग अलग तरीके काम कर सकता है. मैच भी करा लेगा, नए लोगों को जनरेट भी कर देगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको भी ये अरेंज कर लेगा अपने अकॉर्डिंगली. ठीक है, वर्सेटिलिटी का मतलब ये था कि अलग अलग तरह का काम कर लेना. ठीक, अलग अलग तरह के कामों को कर सकने में सक्षम होना. समझ पा रहे हो ना, अलग अलग. इट कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट. अपने हिसाब से ये उस काम को कर सकता है. नाउ द सेकंड इज कंसिस्टेंसी. आई मीन सिक्स इज, बट टुडेज टॉपिक इन टुडेज लेक्चर इज सिक्स. सो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है गिवेन द सेम इनपुट एंड इंस्ट्रक्शन अ कंप्यूटर विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट कंसिस्टेंसी. मतलब क्या कि अगर उसको हम सेम इनपुट देंगे, सेम इंस्ट्रक्शन देंगे, तो क्या करेगा वो, जो दोबारा रिजल्ट जनरेट करेगा वो भी पहले जैसा ही होगा, कंसिस्टेंट होगा.
अ कंप्यूटर फेज नोन गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब क्या है कि अगर तुम कूड़ा दोगे तो कूड़ा मिलेगा। मतलब ये कि अगर तुमने इनपुट क्या किया, इनपुट तुमने गलत दे दिया, यू प्रोवाइडेड द रॉन्ग इनपुट, गार्बेज को क्या किया आपने इन किया, तो आउट क्या क्या मिलेगा, आपको गार्बेज ही मिलेगा। सो पॉइंट आउट दैट द यूज ऑफ फ्लैश ऑन अ डिजिटल कैमरा व्हेन इंडोर्स। देखो जब आप क्या करते हो, आप फ्लैश का यूज करते हो कब, जब आप इंडोर में होते हो। द रिजल्टिंग पिक्चर आर द डिस्प्लेस स्क्रीन मे बी अनक्लियर बिकॉज दे आर टू डार्क। ठीक है, अब आप क्या करो, आप अपने फ्लैश का यूज ना करो, क्या करो, डू नॉट का मतलब क्या, आप अपने मोबाइल के फ्लैश का यूज ना करो और रात में फोटो खींचो। रात में फोटो खींचोगे तो क्या आएगी, टू डार्क आएगी, कहोगे भैया कंप्यूटर खराब है, मेरा मोबाइल खराब है। तो मोबाइल थोड़ी खराब है, इंसान खराब है जिसको यूज ही नहीं कर पा रहा है, कि नहीं, जो उसको यूज नहीं कर पा रहा वो इंसान खराब है। हाँ, हमारे पास स्मार्टफोन, तुम्हारे पास स्मार्टफोन, हाँ तुम अलग तरीके से यूज करते हो, हम अलग तरीके से यूज करते हैं। पता चला तुम अंधेरे में गए, अंधेरे में जा करके मोबाइल की लाइट ऑफ करके क्या कि आपने फ्लैश को ऑफ कर दिया और फोटो खींच ली। फिर आप आ गए कंपनी के पास कि आप तो कहते हो कि इसमें 48 मेगापिक्सल कैमरा है। अब 48 मेगापिक्सल अभी मैं आपको बताता हूँ, आपने क्या कहा, 48 मेगापिक्सल कैमरा है। और जब मैं इसको यूज करने के लिए गया, इसको ओपन किया, तो पता चला कि भैया इसमें तो फोटो आ ही नहीं रही, तो पूरी ब्लैक आ रही है, जरा सा देख के बताओ। तो क्या कहेगा, कहेगा भैया इसमें फ्लैश होता है उसको आपको ऑन करना चाहिए। तो मतलब क्या कि आपको केवल ना केवल कंप्यूटर बताना चाहिए बल्कि कंप्यूटर को यूज करने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर यूज करने का तरीका नहीं मालूम है तो आप क्या करोगे, आप उल्टी सीधी काम करोगे और उल्टा सीधा काम करके उल्टा सीधा आउटपुट लाओगे और कहोगे कि टेक्नोलॉजी खराब है, जैसा कि अधिकतर बूढ़े लोग करते हैं। ठीक है, करते ही नहीं करते हैं, हाँ उनको पता होता नहीं है, कुछ भी करके बैठ जाएंगे, फिर कहेंगे देखो इसमें ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, फोन नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बूढ़े लोग को आता नहीं चलाना, लेकिन हाँ कई सारे लोग ऐसे थे इनको नहीं आता है। जैसे मेरे बाबा हैं, तो मेरे बाबा क्या करते हैं कि वो YouTube में वीडियो देख डालेंगे, जब वीडियो देख डालेंगे उनका डाटा खत्म हो जाता है, 1.5 GB जो मिलता है, 1.5 GB जब वो खत्म हो जाता है तो मुझसे कहते हैं नेट नहीं चल रहा है तो मुझे रिचार्ज करना पड़ता है। अब उनको मैं बताऊंगा कि आपका MB खत्म होगा तो कहेंगे MB क्या है, GB क्या है, इतना दिमाग खराब करेंगे, उससे बेहतर मुझे लगता है कि भैया इनका रिचार्ज कर दो, चलता रहेगा। ठीक, सो यह क्या हो गया, आपकी कंसिस्टेंसी हो गया। वो अलग केस मैंने बताया, उनको यूज करना आता है मोबाइल, मेरे बाबा को, पापा नहीं, मेरे पापा ग्रैंडफादर। ओके, नाउ द कम्युनिकेशन, कैन द मोस्ट कंप्यूटर टुडे कैन, हाँ मेरे को आपको मेगा पिक्सल बताना था ना, व्हाट इज मेगा पिक्सल। देखो पहले जानने की कोशिश करते हैं पिक्सल क्या होता है। ठीक, चलो वो कहीं फ्रेश पेज, कहीं फ्रेश पेज, चलो इतने बता देते हैं आपको। पिक्सल, पी आई एक्स ई एल, इट्स कॉल्ड पिक्सल। पिक्सल में आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला क्या होता है, एक होता है पिक, क्या होता है बेटा, पी आई सी पिक, एंड दूसरा है क्या, ई एल। आप बोलते हैं यहाँ का एक्स हो गया, तो हाँ ई का एक्स, सी का एक्स हो जाता है। ठीक, पिक का मतलब हो गया आपके पिक्चर, क्या हो गया बेटा, पिक्चर, पिक्चर। ये आपके टॉपिक से हट कर है लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, पिक्चर। ई एल का मतलब है एलिमेंट, क्या है बेटा, ई एल ई एम ई एन टी। हाँ यार थोड़ा समझ लो, तो क्या बताएं, मेरा ना एक्चुअली टच माउस पैड खराब हो गया है, तो माउस पैड तो मतलब था मेरे पास, वो खो क्या गया है, मतलब उसको चूहे ने कुतर दिया है, बीस बेकार हो गया है। तो अब क्या है, मेरा माउस प्रॉपरली रहता नहीं है, जो मेरा माउस प्रॉपरली रहता नहीं तो उसे प्रॉपरली लिखवाता नहीं है। चलो मैं फिर भी अच्छा बुक लिखने की कोशिश करूंगा आपसे। तो क्या मैंने बताया, आपको बताया पिक्चर, और एक मैंने बताया एलिमेंट, यानी किसी भी पिक्चर को बिल्डअप करने के लिए, किसी भी पिक्चर को बिल्डअप करने के लिए जिस एलिमेंट का यूज होता है उसको क्या कहते हैं, पिक्चर एलिमेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। पिक्सल जो होता है ये आपका जो इमेज बनती है, क्या बनती बेटा, क्या बनती है आपकी इमेज, आई एम ए जी, यही बेटा साफ साफ देखेंगे तो टाइम लगेगा। इमेज क्या बनती है बेटा, आपकी जो इमेज बनती है उसका ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, क्या होता है बेटा, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, इससे छोटा पार्ट नहीं हो सकता। जैसे ह्यूमन बॉडी बिल्डअप करने के लिए सेल्स जो होती है इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सेम एज द पिक्सल द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन इमेज। ठीक है, किसी इमेज को क्रिएट करने की सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसकी पिक्सल होती है। अब इसका मतलब ये कि जब आपके पिक्सल ज्यादा होंगे, जब आपके पिक्सल ज्यादा होंगे तो आपकी इमेज ज्यादा क्लियर होगी। कैसे, ऐसे मान लो मैंने आपको क्या कहा, वाओ मेरे पास एक माचिस है। ठीक, मैंने आपसे ये कहा कि आपको इन माचिस का यूज करके आपको कोई एक स्क्वायर बनाना है। ठीक, क्या करना बनाना है, आपको एक स्क्वायर बनाना है। कैसा स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर, इसमें क्या है, यहाँ पे भी एक माचिस, यहाँ पे माचिस, यहाँ मैच बॉक्स, मैच बॉक्स, मैच बॉक्स, मैच बॉक्स, सब में पूरे मैच बॉक्स भरा है, पूरे में भरा है। ठीक है, ऐसा करके बनाना है। ठीक, तो एक ने क्या किया,
एक ने 10 यूज की, एक ने 20 यूज की, एक ने 30 यूज की, एक ने 40 यूज की। जिसने ज्यादा यूज की होगी, जिसका ज्यादा डेंस होगा, उसका देखने में ज्यादा सही समझ में आएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। ऑन द अदर हैंड जिसने गैपिंग ज्यादा दी होगी, जिसने सबका साइज सेम है, सबका साइज क्या है, सबका साइज मान लो 10 सेंटीमीटर है, क्या बेटा इंटू 10 सेंटीमीटर है, इतना है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अब जब सबका सबका 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है, किसी ने मान लो 5 यूज की माचिस, किसी ने 10 यूज किया, किसी ने 20 यूज किया, तो ये बताओ बेटा जिसने 20 माचिस यूज की होंगी, जो मैक्सिमम इसमें होगा, मैक्स साइज जो यूज किया होगा, जिसने मैक्स साइज यूज किया होगा बेटा, मैक्स जितनी मैक्सिमम उसमें लग सकती है ना, जिसने मैक्स यूज किया होगा, जिसने क्या किया होगा, गैपिंग बहुत कम दी होगी, सबसे अच्छी इमेज उसकी लगेगी कि नहीं ये बताओ, सबसे अच्छा बॉक्स उसी का लगेगा ना, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने मैक्सिमम यूज किया है। सेम तरह से पिक्सल होते हैं, जो आप वीडियो उसमें इमेज में जितने ज्यादा पिक्सल होते हैं उसी को क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है क्या, उसको कहा जाता है अच्छी इमेज, जिसमें ज्यादा पिक्सल होते हैं, जिसमें कम पिक्सल होते हैं उसको क्या कहते हैं, लेस क्रिएटिव। अब आपको क्या लिखना है, अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, होमवर्क के नाम पे क्या है इसमें HW, होमवर्क कह दो चाहे असाइनमेंट कह दो, आपको नेट से देख के लिखना है। आपको दो तीन टर्म्स लिखने हैं, पहले आपको क्या लिखना है, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन क्या होता है ये लिखना है आपको। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, एस्पेक्ट रेशियो, PECT, ठीक है, एस्पेक्ट, ओहो मैं क्या बताऊं, रेशियो RATIO, एस्पेक्ट रेशियो, ठीक, एस्पेक्ट रेशियो। ये दो चीजें के बारे में आपको नेट से पढ़ना है, खुद से पढ़ेंगे, गूगल करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे वीडियो। मैंने आपको पहले बताया था जो स्मार्ट होता है क्या करता है, पहले यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके अंडरस्टैंडिंग ले लेता है, फिर बाद में नॉर्मल चीजें पढ़ता है तो नॉर्मल चीजें समझ में आ जाती हैं। तो ये हो गया आपका होमवर्क, आपको करना है, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा। हाँ बेटा मुझे याद है कि आपको बिग डाटा बताना है, अच्छे से याद है, डोंट वरी, हाँ बताऊंगा लास्ट तक। MP क्या कर रहा है यहाँ पे, अच्छा मेगा पिक्सल है, ठीक है टावर्स को, ठीक है समझ में आया कि नहीं, आ ही गया होगा, नहीं आया होगा तो ग्रुप में मैसेज करना, फिर से बताएंगे। कम्युनिकेशंस क्या है, कम्युनिकेशंस क्या है कि दे कैन कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स, क्या होता है एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से अदर कर बात कर सकता है, ऑफन वायरलेसली, बिना किसी वायर के। कंप्यूटर्स विद दिस कैपेबिलिटी कैन शेयर एनी ऑफ 4 इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल ऑपरेशंस, मैंने बताया ना IPC, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, जिसमें आपके बुक में मिस प्रिंट था, IPO प्रिंट था, यहाँ पे मिसप्रिंट था, तो यहाँ पे क्या होगा, IPC होगा, तो क्या होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड स्टोरेज, ये क्या होता है, इसको आपका यूजर या आपका कंप्यूटर क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मैं बताऊं, ड्रोन देखा है कभी, ड्रोन शादी में देखा होगा तुम लोगों ने ना, अच्छा तो ड्रोन का एक बार डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, HP ने किया था, किसने किया था बेटा, HP ने किया था, किसके साथ मिलके, HP ने किया था इंटेल के साथ मिलके, किसके साथ, INTEL, इंटेल। इतना खराब लिख रहा है कि मेरा खुद मन नहीं कर रहा है जिसको मैं लिखूं, एक सेकंड अच्छे से लिखता हूँ, किसके साथ बेटा, इंटेल के साथ, INTEL, इंटेल। इंटेल के साथ क्या किया था, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था किसका, ड्रोन का, जिसमें उन्होंने क्या किया था, लगभग 1000 को क्या लिखते हैं कंप्यूटर में, 1K लिखा जाता है, नहीं पता है जाके पढ़ लेना, फेसबुक वगैरह में देखे होगे 2K 3K लाइक्स मिलते हैं, तो 2K लाइक्स का मतलब क्या है, 2 किलो मतलब क्या, 2000, ठीक 2000, तो क्या किया उन्होंने, 1K ऑलमोस्ट 1K ड्रोन्स को क्या किया था, आपस में उड़ाया था, क्या किया था, आपस में उड़ाया था, और ये ड्रोन्स आपस में क्या कर रहे थे, आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, और कम्युनिकेट करके उन्होंने वहां पर इंटेल का लोगो फॉर्म किया था, इंटेल का लोगो है ना, याद है कि नहीं, इंटेल इनसाइड लिख के आता है जब TV में ऐड आता है, तो इंटेल का उन्होंने क्या किया था, लोगो फॉर्म किया था। तो आप यूट्यूब में जाएंगे तो यूट्यूब में इसकी आपको वीडियो मिल जाएगी, और आपको देख के बहुत ही अमेजिंग
फील आएगी और आपको अच्छा लगेगा देख के, आप देख सकते हो। तो ये होता है क्या, ये आपस में जो ड्रोन होते हैं आपस में ही कम्युनिकेट करने लग जाते हैं। खैर तो कम कम्युनिकेशन हो गया, इसको आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है कम्युनिकेशन की। सो ये क्या होता है, जब दो डिवाइसेस क्या कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अनफॉर्चुनेटली कंप्यूटर समटाइम्स एलिमिनेट मैनुअल जॉब्स मोस्ट नोटेबली इन फैक्ट्रीज, बट कंप्यूटर्स आल्सो फील ह्यूमन बींग फॉर अदर कॉल्स। ऑफिस वर्कर्स हु यूज कंप्यूटर टू देयर जॉब बेटर फास्टर एंड मोर इफिशिएंट। देखो ये क्या होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। सपोज डैट आप में से एक आदमी को आज जॉब मिली क्या, टाटा नैनो फैक्ट्री में। क्या जॉब मिली बेटा, टाटा की नैनो फैक्ट्री में। मैं क्यों नैनो का नाम ले रहा हूँ ये बताता हूँ, टाटा फैक्ट्री का भी नाम ले सकता था। कहाँ जॉब मिली आपको, टाटा नैनो, जहाँ बनती है। क्या बनती है बेटा, नैनो। अब टाटा नैनो का फेवरेट कलर कौन सा है, टाटा नैनो का फेवरेट कलर है येल्लो। कौन सा बेटा, येल्लो कलर है। ओके आपको हमने कहा कि भैया आपका एक काम है, क्या काम है, सुबह 10 बजे ऑफिस आ जाना है। ठीक, आ गए और क्या करना है, पेंट की डिब्बा लेकर के, मतलब पेंट का डिब्बा तो नहीं होता, हालांकि वहां पे होते हैं स्प्रेज, तो आपको पेंट का स्प्रे लेके, येलो कलर का स्प्रे लेके आपको नैनो रंगनी है। जब आप पहले दिन आएंगे तो आप पता चला कि 20 या 30 गाड़ी रंग दोगे आराम से, जोश जोश में। यार पहला दिन है, ये हम कर देंगे, हम तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। आपने 20-30 कार करी, एक हफ्ते बाद क्या होगा, ये डिक्रीज होकर हो जाएगी आपकी 10 कार्स। क्या हो जाएगी बेटा, 10 कार्स। फिर जब आपने 2-4 साल जॉब कर लिया, फिर दूसरी जॉब ढूंढने लगोगे। क्या यार, रोज सुबह से जाओ भाई पीला रंग लेके उसी के साथ खेलते रहो, क्या बोलोगे, सुबह से जाओ भाई पीले रंग के साथ खेलते रहो, क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में हालत खराब हो जाएगी, तुम गुस्सा होने लगोगे, बिना बात के फ्रस्ट्रेट होने लगोगे। गर्मी बहुत है बच्चा, बिना बात के फ्रस्ट्रेट होने लगोगे। अब जब फ्रस्ट्रेट होने लगोगे तो क्या होगा, बेवजह गुस्सा आएगी, बेवजह गुस्सा आएगी, तोड़ोगे फोड़ोगे, तुम्हें मालिक नौकरी से निकाल देगा, प्लस तुम्हें डांट पड़ेगी अलग से। तो क्या है, ये आप इस जॉब को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इस तरह की जॉब्स के लिए हमको क्या चाहिए, इस तरह की जॉब्स के लिए हमें रोबोट चाहिए। क्या चाहिए बेटा, रोबोट चाहिए। ये इंसानों की बस की बात नहीं है, और आज की डेट में भी इस जॉब को रोबोट ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि रोबोट कैसे काम करते हैं, तो आप यूट्यूब पे जाएंगे, वहां जाके देखेंगे कि हाउ द कार आर गेट पेंटेड, कार कैसे पेंट होती हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो मैंने ये बात क्यों बताई आपको यहाँ पे, क्योंकि ये जो इफिशेंसी है, ये इतनी इफिशेंसी के साथ कलर का काम ह्यूमन नहीं कर सकता। इतनी इफिशेंसी के बाद कलर का काम ह्यूमन नहीं कर सकता। क्या चाहिए हमें ह्यूमन के अलावा, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए रोबोट। क्यों चाहिए रोबोट, रोबोट क्या करेगा, इसको बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कलर अच्छा नहीं ना, कोई बढ़िया सा कलर लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये तो बुक के साथ ही मैच कर रहा है, चलो अच्छी बात है। तो मैंने क्या बताया आपको, क्या होता है जब कहीं पे कंप्यूटर वर्क करने लगता है, तो क्या कहता है, मैनुअल जॉब्स को ये एलिमिनेट कर देता है। मैनुअल जॉब्स को एलिमिनेट कर देता है, मतलब मान लो आपके बैंक में क्या होता था, पहले आपके पैसे को जमा करने के लिए, कैश को डिपॉजिट करने के लिए, नदी मोटा कर दिया, कैश को डिपॉजिट करने के लिए, कैश को विड्रॉल करने के लिए क्या होता था, एक कैशियर होता था। क्या होता था बेटा, कैशियर होता था। कितने कैशियर होते बेटा, दो, स्पेलिंग गलत है, टेंशन ना लेना, दो होते हैं। एक क्या करने के लिए, एक जो आपसे मनी लेगा और एक जो बैंक से मनी निकाल के बाहर देगा। लेकिन अब हुआ क्या, अब हो गया क्या कि एटीएम मशीनें लग गई। क्या लग गई बेटा, एटीएम मशीन लग गई। तो एटीएम से आप क्या कर सकते हो, पैसे जमा भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। तो क्या हुआ, जिस बैंक में एटीएम मशीन लग गई, वहां से उन्होंने कहा कि ऐसा है कैशियर भैया, तुम घर जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हाँ तुम्हें नौकरी से निकालते हैं, जाओ दरख्वास्त, तुम्हारी क्या होगी, तुम्हें पेंशन बनना, पैसा बनना बंद। बेचारे लोग कहाँ जाएंगे, लोग बेचारे घर के ही होकर रह गए, तो इन लोगों की नौकरी क्या होगी, कंप्यूटर ने छीन ली। इस तरह जब नौकरी कंप्यूटर छीन लेता है, उसको क्या कहते हैं, ये एलिमिनेट करता है किसको, मैनुअल जॉब्स को। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्रीज में, जैसे मैं फैक्ट्री का एग्जाम्पल क्या दिया, पहले आदमी रंगते थे, लेकिन अब कौन रंगता है कार को, अब कार को रोबोट रंगते हैं। जो आदमी वहाँ काम करते थे, उन लोगों को क्या किया गया, उन लोगों को लात मार के निकाल दिया कंपनी ने कि भैया ऐसा है कि तुम जाओ यहाँ से, हमारे पास तो रोबोट है, रोबोट मेरा काम करेगा, है कि नहीं। रोबोट को ना छुट्टी चाहिए, ना 24 घंटे काम कर सकता है, आराम से काम करेगा, तुमको छुट्टी भी दें, बोनस भी दें, 4 नखरस है कि नहीं, नखरा समझते हो ना, नाटक। ठीक, चलिए हो गया फैक्ट्रीज। नेक्स्ट क्या है आपका, एक अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है कि आप इसके थ्रू यूज करके, कई लोग इस कंप्यूटर को जो यूज करते हैं, जिनको हम आईटी बोलते हैं, जो कंप्यूटर को यूज करते हैं आईटी सेक्टर बोलते हैं, जो यूजेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, इसका यूज करके, कंप्यूटर का यूज करके क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, यानी जो उनके काम करने की क्षमता है वो क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक, ओके।
next decision making. चलो डिसीजन मेकिंग हम समझाने की कोशिश करते हैं. आप क्लास 8th के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा मैं डीप कॉन्सेप्ट में जाऊंगा. कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट वेरियस लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग. देयर यूज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ डिसीजन एंड द लेवल ऑफ द मैनेजमेंट. इन एसेंशियल बिजनेस एंड गवर्नमेंटल डिसीजन द मैनेजर्स नीडेड अकाउंट वैरायटी. ओके अदर फैक्टर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का मैं भी बताता हूँ आपको. ठीक, तो क्या होता है कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है ये भी कंप्यूटर ले सकता है. जैसे कि कई बार आपका एरोनॉट की बात करते हैं, ठीक है, जब आप प्लेन वगैरह उड़ाते हो तो उस समय क्या होता है, उस समय जो डिसीजन मेकिंग होती है वो सिस्टम से ही ली जाती है. ठीक, आपके सिस्टम से ही ली जाती है, आपको सजेशन मिलते हैं सिस्टम की ओर से. अब आपके पास क्या है, एसेंशियल बिजनेसेस हैं जैसे कि गवर्नमेंटल डिसीजन है, इसको मैनेज करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वैरायटी ऑफ फाइनेंस, जियोग्राफिकल और लॉजिस्टिकल एंड अदर फैक्टर्स को हमें सोचना पड़ता है. क्या क्या सोचना पड़ता है, सबसे पहले भैया पैसे के लिए सोचना पड़ता है कि मान लो हमने ये फैसला लिया, इस फैसले लेने के बाद हमारे फाइनेंशियल कंडीशन सही है कि नहीं. हमको मान लो कोई एक प्लांट लगाना है तो हमें कहाँ लगाना चाहिए, वहाँ से हमारे करियर की व्यवस्था कैसी होगी, और अदर फैक्टर्स बारे में हमें सोचना पड़ता है. यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक. प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हम यूज करके क्या कर सकते हैं, जो ह्यूमन के द्वारा डेवलप किया जाता है उसको कंप्यूटर हेल्प करता है डिसीजन को मेक करने में. क्यों, ताकि उसको और अच्छे तरीके से और बड़े अमाउंट में डिसीजन को लिया जा सके, और इस तरह के आप अपना जीवन का बेस्ट डिसीजन ले सके. जैसे कि एक कंप्यूटर साइंस की फील्ड होती है ऑपरेशनल रिसर्च. ऑपरेशनल रिसर्च, ये ऑपरेशनल रिसर्च करता क्या है, ये आपको केवल एक ही चीज सिखाता है, क्या, डिसीजन मेकिंग. क्या दिखाता है बेटा, डिसीजन मेकिंग, कि आप अगर आप किसी फैक्ट्री में हैं तो कब आप एक मशीन को चेंज करेंगे, अगर आप किसी फैक्ट्री में हैं वहाँ बल्ब फ्यूज हो रहे हैं तो कब आप उस बल्ब को फ्यूज करोगे, मतलब फ्यूज करोगे नहीं रिप्लेस करोगे. हाँ, तो इस तरह की चीजें हैं कि आपको कब क्या करना है, जी डिसीजन लेने के लिए एक वो चैप्टर ही है. जो ये आपको मैंने ऑपरेशनल रिसर्च बताया, ओआर बताया, ये आपको मैनेजमेंट में भी पढ़ाया जाता है. किसे पढ़ाया जाता है बेटा, मैनेजमेंट में भी, और आपको कहाँ पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर साइंस में भी. दोनों जगह इसको पढ़ाया जाता है, मैनेजमेंट में सिखाया जाता है इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, कंप्यूटर साइंस में दिखाता है कि इस प्रॉब्लम के लिए प्रोग्रामिंग कैसे करोगे. ठीक, सही समझे, ये पेपर है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कि आप किसी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, कि हाँ आप भाई फैक्ट्री में हो, आपके फैक्ट्री मान लो 2000 बल्ब लगे हैं, कितने बल्ब लगे हैं बेटा, 2000, 2000 में से 100 फ्यूज हो गए, तो क्या 100 जो फ्यूज हो गए, इस फ्यूज बल्ब को, ये फ्यूज है ठीक बेटा एफ, क्या इस फ्यूज बल्ब को इसी महीने चेंज करना है, नेक्स्ट महीने चेंज करेंगे, कब चेंज करेंगे, इसके लिए क्या होता है, ऑपरेशनल रिसर्च का मदद ली जाती है. तो ये आपके मैनेजमेंट में भी सिखाया जाता है, कंप्यूटर साइंस में भी दिखाया जाता है. लेकिन मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में इसको मैनुअली सॉल्व करना सिखाते हैं, इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है, प्रॉब्लम होती है ओआर की, इसको मैनुअली सिखाते हैं, ओआर की प्रॉब्लम को मैनुअली सिखाते हैं किसमें, आपके मैनेजमेंट वाले में. लेकिन जो सीएस होता है, सीएस में क्या करते हैं, हम लीनियर प्रोग्रामिंग करते हैं. क्या करते हैं बेटा, लीनियर प्रोग्रामिंग. ठीक, इसके बारे में हम जब आपसे मिलेंगे कभी पूछना तो हम आपको डिटेल में बताएंगे. अगर अभी बताने लगे तो हम टॉपिक से भटक जाएंगे और आपको हम ओआर पढ़ा डालेंगे और भूल जाएंगे कि आपको क्या पढ़ाना है, कंप्यूटर सिस्टम पढ़ाना है और क्लास 8th के स्टूडेंट हो आप. ठीक, एक्चुअली मेरी आदत है नहीं छोटे बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने की, तो हम ऊपर घुसते चले जाते हैं अंदर के अंदर, हम भूल जाते हैं कि आप लोग छोटे बच्चे हो. ठीक, चलिए हमने आपको बता दिया डिसीजन मेकिंग, इससे क्या होता है कि आप इसमें एक अच्छा सा डिसीजन आप ले सकते हो. फास्टर कम्युनिकेशन स्पीड. ठीक, इन द पास्ट इट टुक टू लॉन्ग टू न्यूज एंड मैसेजेस टू बी सेंट. Now with the help of internet we can send a message via email. Obviously तुम WhatsApp करोगे तो जल्दी आ जाएगा, अगर तुम doc भेजोगे तो देर से आएगी. ठीक है, तो efficiently करता है. क्या करता है ये, क्या होता है ये, टाइम तो बचाते ही बचाता है, साथ में क्या होता है, सस्ता भी होता है. कि आपने एक WhatsApp का मैसेज किया तो आजकल WhatsApp के मैसेज के पैसे भी नहीं लगते, लेकिन आप अगर किसी को पेन पेपर पेन पे भेजोगे लिख करके चिट्ठी और पत्र, चिट्ठी कहते हैं ना लेटर, लेटर भेजोगे तो क्या होगा, लेटर, लेटर भेजोगे तो आपको एफर्ट देना पड़ेगा, 5-10 रुपए 20 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. नाउ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन. शेयरिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब, द इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर विद द पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर. विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इन्फॉर्मेशन कुड बी एक्सेस एंड रिट्रीव्ड फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम लाइक योर सोशल मीडिया. आप क्या कर सकते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन को कहीं पर भी शेयर कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू. ये सब काम लोग बहुत अच्छे से करते हो, यूज कर ही रहे हो. People can share and exchange their opinions, thoughts, so by social networking. देखो आप भी क्या सोशल नेटवर्किंग.
न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन थ्रू डिस्कशन ग्रुप, जैसे हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ना, मेलिंग लिस्ट एंड द फॉर्म्स ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब इंटरनेट के थ्रू हम इसका काम कर सकते हैं, ठीक। नाउ एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इसका क्या मतलब है, कंप्यूटर हैव रिड्यूस द यूज ऑफ पेपर, ऑब्वियसली हमने रिड्यूस कर दिया है पेपर, बिकॉज इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्रीव थ्रू द डिजिटल मीडियम, डिजिटल मीडियम से इंफॉर्मेशन को थ्रो एंड रिसीव कर सकते हैं, मतलब क्या स्टोर भी कर सकते हैं उसको, हम वापस गेन भी कर सकते हैं। रिट्रीव मतलब क्या होता है, किसी भी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को वापस से गेन करना, उसको क्या कहते हैं, रिट्रीव ऑफ डाटा, ठीक है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन वाया ईमेल, ऑनलाइन चैट एंड इंस्टेंट मैसेजिंग आल्सो हेल्प्स टू क्रिएट अ पेपरलेस एनवायरनमेंट, ठीक है, पेपरलेस एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। अगर अभी हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएं तो क्या है, पेपरलेस एनवायरनमेंट का भी एक एग्जांपल आप ले सकते हो। नाउ व्हाट यू कैन डू विद अ कंप्यूटर, देखते हैं तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या होता है, कई कामों के लिए होता है, जैसे कि यू कैन यूज, लिसन टू द म्यूजिक, वॉच मूवीज, क्रिएट डॉक्यूमेंट फॉर टीचिंग और स्टडिंग एंड प्लेइंग गेम, कैमरा क्या कर सकता है, कैमरा आपकी फोटो खींच सकता है, डिजिटल डीवीडी प्लेयर क्या कर सकता है, आपको मूवी प्ले करके दिखा सकता है, लेकिन कंप्यूटर क्या कर सकता है, कंप्यूटर ढेर सारे काम कर सकता है, वो गाने भी सुना सकता है, मूवीज भी आप देख सकते हो, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, पढ़ा भी सकते हो और आप पढ़ भी रहे हो, ठीक। इस तरह की चीज़ों को क्या कहते हैं, सब कंप्यूटर के थ्रू ये सब काम हो सकते हैं। नो द फैक्ट, फैक्ट बताएं, फैक्ट पढ़ लेना यार, चार्ल्स बैबेज क्या थे, चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर बनाया था सबसे पहले कौन सा, 1883 में, उस मशीन का नाम क्या था, ये नाम था एनालिटिकल इंजन, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ये सब चीज़ें यूज हो रही थी, क्या क्या यूज हो रही थी, इनपुट स्टोरेज प्रोसेसर ये सब चीज़ें इसमें यूज हो रही थी, जो कि कहाँ से डेवलप हुई हैं, चार्ल्स बैबेज के थ्रू डेवलप हुई हैं। द वर्ल्ड कंप्यूटर 1613 एक्चुअली कंप्यूटर शब्द बना है आपके कंप्यूट से, किससे बना है बेटा, COMPUTE, कंप्यूट, कंप्यूट मतलब क्या, टू कैलकुलेशन, हाँ टू कैलकुलेट, जो टू कैलकुलेट है वह कंप्यूट, जो कंप्यूट जो कैलकुलेशन करे वही क्या है, वही कंप्यूटर है, ठीक। अब क्रिएट डॉक्यूमेंट, आपने एमएस वर्ड सीख रखा है, मुझे अच्छे से पता है इस बारे में, आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, लेटर्स बना सकते हो, रिज्यूमे, रिपोर्ट्स, न्यूज़लेटर्स, वाउचर्स, ये सब बना सकते हो। चेक योर फाइनेंस, आप क्या कर सकते हो, अपने बजट को क्रिएट कर सकते हो, रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, बैलेंस सब क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड मेंटेन सब कर सकते हो, ठीक है। मॉनिटर योर मोटरेज, सब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अपने फाइनेंस को भी मैनेज कर सकते हो। परफॉर्म रिसर्च, आप रिसर्च कर सकते हो ऑफ एनी टॉपिक, हाँ आप क्या कर सकते हो, जिस भी टॉपिक बारे में आप सोचो उसको आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट में आप गूगल कर सकते हो, सोच कर सकते हो। वर्क विथ नंबर, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक कंप्यूटर में आप स्प्रेडशीट प्रोग्राम के थ्रू, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, इसके थ्रू क्या कर सकते हो, स्प्रेडशीट में भी आप काम कर सकते हो। जैसे आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट हाउ मच मनी यू नीड टू स्टार्ट अ बिजनेस, हाँ आपके यहाँ एम्प्लॉई है, मान लो आपके यहाँ 200 एम्प्लॉई है, उनकी सैलरी कितनी जाएगी, कैसे जाएगी, सबको आप कैलकुलेट कर सकते हो। अपने टाइम को शेड्यूल कर सकते हो, उसके लिए आप गूगल टास्क यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो बेटा, गूगल टास्क, ये आपकी एक एप्लीकेशन है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, लेट मी रेज दिस। ठीक है, आप ये कर सकते हो शेड्यूल टाइम, टीचिंग, टीचिंग हम कर ही रहे हैं, देख ही रहे हो। यू कैन यूज अ कंप्यूटर टू हेल्प द एजुकेशनल एजुकेटिंग चिल्ड्रन बाय यूजिंग दोस प्रोग्राम दैट आर डिजाइन टू असिस्ट द चिल्ड्रन इन रीडिंग, ड्राइंग, लर्निंग मैथ एंड साइंस, सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड इनहेंसिंग देयर क्रिएटिविटी। तो आप यहाँ से भी जैसे आप सीख रहे हो वैसे आपको हम स्मार्ट क्लास में, डिजिटल लैब में भी पढ़ाते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ पे हम आपको इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जहाँ आप उसे पढ़ सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, सब चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हो। ओके, लर्निंग, लर्निंग क्या है, इसको लर्निंग के लिए यूज कर सकता है, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, स्पीकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज, जैसे मैंने स्पेनिश सीखने की कोशिश की थी बेटा बहुत पहले, होला, होला मतलब हेलो, ठीक है, स्पेनिश सीखने की कोशिश की थी मैंने, और मैंने सीखा भी था, कितने दिन सीखा था बेटा, पूरे 3 घंटे सीखा था मैंने, 3 आवर, उसके बाद लगा मैं क्यों सीख रहा हूँ, नहीं सीखा, बंद करके रख दिया, तो आज तक नहीं सीख पाया। आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो, और क्या सीख सकते हो, और आप क्या सीख सकते हो, आप कुकिंग सीख सकते हो, हाँ कुकिंग मैं सीखता हूँ, इस समय छुट्टियाँ चल रही हैं, ऐसा मैं अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता हूँ खाने के लिए अपनी मम्मी के साथ मिल के, लेकिन तुम लोग सब काम मत करना जल जाओगे, बड़े के साथ हेल्प करके तब बनाना कुकिंग का काम। हाँ, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक,
ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आपको गिटार हो गया ना, और क्या होता है आजकल गिटार का बहुत क्रेज चल रहा है, नहीं और लोग गिटार सीखने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से मेरे दोस्त लोग पागल हो गए सब। खैर आप सीख सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा। अब मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि सिलेक्टेड हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में हैं, खाली आदमी क्या करें, गिटार ही सीख रहे हैं। ठीक, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, चैटिंग तो आप करते ही, उसमें कुछ बताने की जैसी बात ही नहीं। चैटिंग क्या होता है, कीप इन टच, आप अपने कंप्यूटर से आप लोगों को ईमेल भेज सकते हो, उनसे आप बात कर सकते हो ताकि पता चल सके कि वो लोग क्या कर रहे हैं। आप उनसे क्या कर सकते हो, माइक्रोफोन और स्पीकर अटैच करा के वीडियो कॉल भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, बाय एंड सेल भी कर सकते हो, OLX.in है ना, OLX, अलेक्सा भी कर सकते हो, आप कोई भी पुरानी नई चीज़ खरीद भी सकते हो। OLX है, अमेजोन है, क्या बेटा, अमेजोन है, ठीक है। यू कैन यूज योर कंप्यूटर एंड इंटरनेट टू बाय एंड सेल थिंग्स। कितने लोगों ने ऑनलाइन सामान खरीदा है बेटा, कमेंट करके बताना, भूलना नहीं। तुम लोग कमेंट नहीं करते हो चले जाते हो भाग के, कमेंट करना नहीं आता तो यूट्यूब पे वीडियो डाल के देख लो कि हाउ टू कमेंट, ठीक। तो इस तरह से आप कमेंट कर सकते हो। तो आपने क्या किया होगा, कभी ना कभी OLX से और अमेजोन से चीज़ें मंगाई होंगी, ठीक है। अब क्या है, आप क्रिएट आइटम, आइटम भी क्रिएट्स कर सकते हैं। क्या करना होता है आइटम क्रिएट्स में, जैसे कि आपका खुद का ग्रीटिंग कार्ड, पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो डिजिटल फोटोज को, एडिट कर सकते हो मूवीज को, साउंड्स को उसको, ठीक। प्ले मीडिया, आप मूवीज, CD, DVD, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ये सब काम भी कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, ठीक। ये सब हो गया आपके वर्क। अभी आपका चैप्टर काफ़ी बड़ा है, आई डोंट थिंक सो कि ये कवर हो पाएगा क्योंकि तो आपके जस्ट 10 मिनट्स बाकी हैं, ठीक। ओ वाओ, वेयर इज द टेक्स्ट, सो नाउ हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वी ऑल नो, इट वर्क वेरी फास्ट, ओ यस ऑब्वियसली। एंड क्या कहते हैं, डाटा इन्फॉर्मेशन के अराउंड ही वर्क करता है। क्या होता क्या है कि जब भी हम किसी कंप्यूटर को कैरी आउट परसिंग यूजिंग इंस्ट्रक्शन से, क्या होता है हम इसे पहले डाटा प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं बेटा, डाटा प्रोवाइड कराते हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या करता है, इसको हम बताते हैं कि आपको कैसे टास्क को परफॉर्म करना है, किसी एक टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। क्या बताते हैं कंप्यूटर को, हम बताते हैं पहले से, पढ़ा के भेजते हैं, सिखाते हैं, हाँ कंप्यूटर के बाद पता हो जाती है। फिर क्या करता है, अपने चार काम करता है। क्या काम करता है, पहले तो इनपुट लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर उसको डिस्प्ले करता है आउटपुट को, और फिर क्या होता है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। सम पीपल रेफर टू द सीरीज ऑफ इनपुट आउटपुट इज द इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। जिसको क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। जैसे देखो इसने इनपुट क्या लिया, इनपुट में लिया 2+ एंड 2, उसको उसने क्या किया प्रोसेस किया, प्रोसेस में क्या किया 2+2 क्या गेन किया 4, 4 को क्या किया इसने आउटपुट किया, और इसने आउटपुट को क्या किया स्टोर किया। इनपुट लेने के लिए क्या यूज किया, कीबोर्ड यूज किया, इधर प्रोसेसर यूज किया, ये डिस्प्ले यूज किया, इधर हार्ड डिस्क यूज किया स्टोरेज। इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं, आप इनपुट डिवाइस जो कि डाटा को एंटर करने के लिए यूज करते हैं उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड से आप डाटा इनपुट करते हो, माउस से करते हो, स्कैनर से करते हो, ये क्या है आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। प्रोसेसर CPU क्या कहलाता है, आपका प्रोसेसर कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। कौन सा, इंटेल कोर i7 प्रोसेसर है ये, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, यू वांट टू टू नंबर 4 से 4 एंड 7 दिस नंबर इंस्ट्रक्शन फॉर द इनपुट डिवाइस। इसको क्या होता है, इनपुट डिवाइस में स्टोर, इनपुट डिवाइस इनपुट करोगे फिर क्या करेगा, प्रोसेसर को सम करके 11 कैलकुलेट करेगा, और ये क्या होगा स्टोर कर देगा। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट में आप इसको प्रिंट लेते हो, प्रिंटर से डिस्प्ले देखते हो, स्पीकर देखते हो। इसमें मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हो, तो क्या है अभी आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो स्पीकर के थ्रू, तो ये क्या है आउटपुट है। लेकिन जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एट दिस टाइम जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे लैपटॉप का जो माइक्रोफोन है वो मेरी आवाज़ को स्टोर कर रहा है, प्रोसेस करके स्टोर कर रहा है, वही क्या है वो इनपुट हो गया। मैं कहाँ से इनपुट दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ माइक्रोफोन से, क्या कहेंगे माइक से, माइक से इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, स्टोर। जब भी हमने इस वीडियो को बनाया होगा तो इस वीडियो को हमने कहीं ना कहीं सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर किया होगा। जब हमने इसको सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर किया है, सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करने के बाद ही हम इसको नेट पर अपलोड करेंगे, तो इसी अपलोड स्टोर करने के प्रोसेस को क्या कहता है, स्टोरिंग कहा जाता है। इसको हम कहाँ स्टोर करते हैं, इसको हम CD, DVD, ड्राइव, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, कहीं पे भी हार्ड डिस्क को कोई हार्ड ड्राइव बोलते हैं, ठीक है। इसको हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं, HDD, ये क्या कहते हैं बेटा, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, चाहे हार्ड डिस्क बोलो चाहे हार्ड ड्राइव बोल लो, ठीक है, दोनों बातें बोली जाती हैं। अब मेंटेनिंग अ हार्डवेयर, ये मेंटेनिंग अ हार्डवेयर आपका होमवर्क है, ये पूरा टॉपिक, हाँ क्लीनिंग व्लीनिंग कैसे सीखोगे ये आपका होमवर्क है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। इसके ऊपर आप मुझे एक असाइनमेंट बना के दोगे, अच्छा सा असाइनमेंट। असाइनमेंट कैसा रहेगा, असाइनमेंट एटलीस्ट 2 पेजेस हैं आपके बुक के। असाइनमेंट आपका क्या है, क्लीनिंग योर, ठीक है, किस चीज़ से आप इसको सॉल्व करोगे असाइनमेंट, ठीक।
असाइनमेंट रहेगा, इसके आपके कम से कम 4 पेजेस होने चाहिए, 4 पेजेस ओके। इसको आप कंप्लीट करके, जैसे ही आपका कंप्लीट होगा आप क्या करोगे, इसको अपने पास रख लोगे फोटो खींच के और मेरे को ग्रुप में अपलोड करोगे जब मैं ऑनलाइन आऊँगा। ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है ओके। एनी प्रॉब्लम होगी तो मैं क्या पता, देखना जब मैं प्रॉब्लम होगी तो बताना जब हम आएंगे। नाउ ह्यूमन वेयर, कैसे काम करना चाहिए कंप्यूटर में ह्यूमन को, इर्गोनॉमिक्स यानी कि आपको किस तरीके से, मैंने बता चुका हूँ क्या, नहीं ये नहीं बताया मैंने, सॉरी किसी ने पूछ लिया था शायद, मैंने बता दिया था। ह्यूमन वेयर का मतलब ये था कि आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, जो आपका कंप्यूटर यूज करने वाला इंसान है, उसके लिए अच्छा एनवायरमेंट कैसे क्रिएट किया जाए। अगर उसके लिए अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट किया जाएगा, अगर वो हेल्दी होगा तो क्या होगा, वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अगर वो डल होगा, वो बेकार होगा तो क्या होगा, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। इसको क्या कहते हैं, ह्यूमन वेयर कहते हैं। एक मिनट बच्चा, बहुत भीषण वाली गर्मी है, क्या जानो मैं, आ जाओ अच्छा आ जाओ, बस 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 बातें नहीं रहे, देखो कंसंट्रेट। तो क्या होता है, ह्यूमन वेयर इज द पर्सन हु प्रोग्राम डिजाइन और ऑपरेट अ कंप्यूटर। जो क्या होता है, प्रोग्राम करे, डिजाइन करे और ऑपरेट करे कंप्यूटर को, जो इसको यूज करता है उसे क्या कहते हैं, यूजर कहते हैं, ठीक। तो इसको क्या होता है, इसको हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकती है अगर वो क्या करता है ज्यादा समय तक, इसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक यूज करता है, ठीक क्लियर, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक यूज करता है। तो अब इर्गोनॉमिक्स क्या होता है, इर्गोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि स्टडी ऑफ पीपल फिजिकल करेक्टरिस्टिक, कि वो कैसे अपने फंक्शन को, विच फंक्शन इन रिलेटेड टू डियर वर्किंग एनवायरनमेंट, जो उनके वर्किंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि फर्निशिंग, फर्निशिंग कैसी होनी चाहिए, मशीन कैसी होनी चाहिए। इसका मेन गोल क्या है, इसका मेन गोल ये है कि टू इंक्रीज कम्फर्ट इफिशेंसी एंड सेफ्टी इन टू डिजाइन द कीबोर्ड कंप्यूटर डेस्क चेयर एंड अदर थिंग्स एट द वर्क प्लेस। तो अब वर्क प्लेस में आप कैसी टेबल यूज कर रहे हो, कैसी चेयर यूज कर रहे हो, कैसे मशीन यूज कर रहे हो, उसको इस तरह से डिजाइन करना जो आपके लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो, ठीक क्या हो, पहले बेनिफिशियल। जैसे आपके पास पहले ये वाली कंप्यूटर की स्क्रीन चलती थी बड़ी वाली, तो हम क्या कर रहे थे, इसको हम कर रहे थे CRT, क्या कहते थे बेटा, CRT कैथोड रे ट्यूब। लेकिन अब क्या है, अब आपके पास LED है, LED के भी ऊपर बढ़ोगे तो आपके पास क्या है, ठीक है ना, इसके बाद क्या आया, इसके बाद LCD आई, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फिर LED आया ना, लाइट इमिटिंग डायोड, फिर क्या आया आपके पास, QHD आया, फिर क्या आया, पहले फोर क्या आया, फिर QHD आया, और अभी क्या चल रहा है, अभी MOLED चल रहा है। तो सबकी चीज़ें जो हैं, इस समय सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, मतलब हार्डवेयर चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या है, समय समय के अकॉर्डिंग आपके आँख पे फेंकना पड़े, उसके अकॉर्डिंगली क्या, वो हमने डिस्प्ले को चेंज किया। तो ये क्या है, ये भी इर्गोनॉमिक्स का ही एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें, तीन चार चीज़ें हमें और पढ़नी है, कि हम कैसे किसी को कंफर्ट देंगे। कंफर्ट देने के लिए क्या है, कि हम उसकी स्क्रीन कैसे रखें, उसके पैर कैसे होने चाहिए, वो किस तरह से चेयर में बैठा होना चाहिए, ये सब चीज़ों का इसमें हम रीडिंग करते हैं, सब चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मॉनिटर प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, थोड़ा सा आई लेवल क्या होना चाहिए, स्लाइटली लोअर होना चाहिए। क्यों लोअर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ताकि जो उसकी जो लाइट निकल रही है, जो मॉनिटर से लाइट निकल रही है, क्या हो, ऊपर क्यों निकले, पूरी पूरी लाइट मेरी आईज पे ना आए। जैसे मैं अभी इस ग्लास को यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मेरे बहुत ज़्यादा पावर है, मैं इस ग्लास के बिना भी आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये क्या है, ये UV प्रोटेक्टेड ग्लासेस हैं। तो ये जो इसको मेरी कंप्यूटर से रेज निकल रही, जो हार्मफुल हो सकती हैं, उसको ये प्रिवेंट करता है। इवन जो मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन है, इसमें भी एक क्या लगा हुआ है, इसमें भी एक ग्लेयर लगी हुई है, एंटी फ्लिकरिंग ग्लेयर लगी हुई है, जो कि क्या करती है, मेरी आई को प्रोटेक्ट करती है। अगर ग्लेयर ना जानो क्या होता है, ठीक है, ग्लेयर नेट पे सर्च कर लेना क्या होता है, एंटी फ्लिकरिंग ग्लेयर, एंटी फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग ठीक, फ्लिकरिंग ग्लेयर, ग्लेयर 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 नहीं ग्लेयर, ठीक ओके, ये हो गया। अब अवॉइडिंग रेस्ट पेन, आप अपने कलाई के दर्द को कैसे दूर कर सकते हो, क्या होता है, जब आप टाइपिंग करते हो तो आपका क्या होना चाहिए, एल्बो लेवल होना चाहिए, मतलब क्या होना, एक समान होना चाहिए, ऐसे टाइप करते हैं, आपको ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए। लेकिन टाइप कैसे करते हैं, इसे लेट जाएंगे आराम से टाइप करेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर में वो हाथ दर्द होने लगेंगे आपके, ठीक है। और क्या होना चाहिए, आपका जो होना चाहिए फिंगर, जैसे मैं कीबोर्ड अपना माउस यूज कर रहा हूँ, तो माउस को हाथ रखने का तरीका होता है क्या, कि मेरा हाथ जो है ऐसे होना चाहिए, क्यों ऐसे, ये मैं अभी कैसे यूज कर रहा हूँ, ऐसे यूज कर रहा हूँ। जब ऐसे मैं यूज करूंगा नॉर्मली डेस्क पे, तो क्या होगा, ऐसे यूज करते हैं, इसमें ऐसा है कि मेरा ब्रश में पेन होने लगे थे, जो कि अभी हो रहा है, ठीक है, चलिए हाँ, इस समय मेरे पेन हो रहा है, सच में हो रहा है, ठीक है। तो इससे कि पेन हो सकते हैं, अब जैसे मैं इसको क्या हुआ, एक बार यूज किया तो कोई बात नहीं है, मैं दिन भर ऐसे यूज करूँ, तीन चार दिन लगातार यूज करूँगा, तो पेन क्या होगा, ये पेन हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक।
अब आपका है पोस्चर कि आपको कैसे बैठना है, आपको अपना आसन कैसे लगाना है, ठीक है, आपको कैसे वहाँ बैठना है, तो आपको क्या चाहिए, आपका जो फीट होने चाहिए क्या सब भी फ्लैट होने चाहिए, फ्लोर पे एकदम प्रॉपरली होने चाहिए, नहीं कि पैर के ऊपर पैर रख के बैठे हो, और क्या होना चाहिए, नॉट लीन फॉरवर्ड, ठीक है, आपको फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए, मतलब कि आप यानी कि पैर फैला के बैठे हो आराम से, और शोल्डर भी नहीं होना चाहिए इनकी चेयर, ठीक है, आपकी चेयर भी पीछे की ओर जाने लायक होनी चाहिए थोड़ी सी, तो इतना गर्मी है यार। आगे बढ़ते हैं, हाँ, यू शुड शिफ्ट पोजिशन ऑफन एंड स्टैंड अप टू स्ट्रेच योर आर्म लेग्स एंड एटलीस्ट वंस एन आवर, अगर आप 1 घंटे लगातार काम कर रहे हो तो उसके बाद क्या करो, थोड़ा सा उठ जाओ, टहल घूम लो, थोड़ा बहुत ऐसे 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 कर लो, तो थोड़ा सा क्या होगा, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, जिससे आपको क्या होता है, आपको बार बार दाल लगातार बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी भी क्लास 40 मिनट्स के ओवर हो चुकी है मुझे पता है, लेकिन आपकी क्लास ही 50 मिनट के ऊपर जाने वाली है, तो पेशेंस रह के पढ़ाई करिए। चेयर कैसी होनी चाहिए, चेयर एडजस्टेबल होनी चाहिए, ठीक है, हेयर बाय द सपोर्ट ऑफ द लोअर बैक शुड बी प्रिफर्ड, क्योंकि क्या होना चाहिए, लोअर बैक में आपको प्रिफर करें सपोर्ट, ऐसे मेरे पास वो सपोर्ट नहीं है, ठीक, ओके, देन 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 ये क्या होना चाहिए, आपके सर्कुलेट करना चाहिए ब्लड को एंड फ्रीली रिवॉल्विंग द प्रेशर ऑन लेग्स, लेग्स का क्या होना चाहिए, प्रेशर आपका रिवॉल्व होता रहेगा, नहीं तो क्या होगा, आपके पैरों में भी दर्द हो सकता है। अब हमें क्यों टेंशन लेनी चाहिए, देखो, अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ एर्गोनॉमिक्स टू डिजाइन द वर्क एरिया यू कैन मैक्सिमाइज योर कम्फर्ट एंड सेफ्टी, पहली बात तो ये कि हम अपने क्या कर सकते हैं, कम्फर्ट बढ़ा सकते हैं, सेफ्टी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है ना बेटा, मेन चीज़ है, मेन बात ये है कि हम प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप केवल कंफर्ट ही बढ़ाओगे, लेकिन आप क्या है प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा दोगे, मतलब आप ज़्यादा काम कर सकोगे तो क्या होगा, ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक हेडेक, विजन प्रॉब्लम एंड ब्रेस्ट पेन, सबको क्या हो सकता है, आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक। अगर रिड्यूस फैटिक, अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपको जो इंजरीज होती है आप उसको भी यहाँ पर कार्पल टनल सिंड्रोम, ये क्या होता है कि इंजरी जो होती है आपकी स्ट्रेस से होती है, रेपिडली स्ट्रेस इंजरी RSI बोला जाता है इसको, इससे होती है, जिसके सिस्टम्स क्या इंक्लूड होते हैं, इंक्लूड नंबनेस टाइनिंगलेस एंड पेन इन द फिंगर्स, तो इसी के थ्रू आपको क्या हो सकता है RSI का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, ये उनको अफेक्ट करता है जो कि बिना किसी टाइपिंग का वर्क करते हैं बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक बिना किसी ब्रेक के, ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है टाइपिंग का वर्क परफॉर्म करना है, बट क्या अपने आपके शरीर का ध्यान देते हुए भी, हमें क्या यूज करना चाहिए, हमें इसको अवॉइड करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ एर्गोनॉमिक्स यूज करना चाहिए। अब क्या होता है, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ रेस्ट एंड हैंड इंजरीज दैट रिजल्ट द फ्रॉम प्रोलॉन्ग use a breathing movement in it keyboard and cross feature alternatively please clear the pain, ठीक है, तो क्या है, ये कीबोर्ड आपके obviously महंगे आते होंगे क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक, और इस तरह के आपको क्या होता है एक कीबोर्ड होता है। नाउ अब क्या है, आपके दो लास्ट टॉपिक बचे हुए हैं, जल्दी से इसको कवर कर लेना है और उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, डाइम हो जाएगा, ओके, so if your work area is comfortable and you are productive you will enjoy the working for a long time obviously, अगर हमको क्या है, अगर हमको एक ऐसा एरिया मिलता है, ऐसी जगह मिलती है जहाँ हमें काम करने में मजा आए, क्या वो काम करने में मजा आए तो उस काम को ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या होना चाहिए, अगर आप एक कंफर्टेबल एरिया में काम करें तो आपकी क्या होती है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है और आप इसमें ज़्यादा समय तक काम करना चाहेंगे बिना किसी स्ट्रेस के, ठीक है, इसके लिए आपको क्या क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा कि आपकी जो डेस्क है जो चेयर एडजस्टेड हो प्रॉपरली आपके लिए ही हो, क्या होना चाहिए, कंप्यूटर इज लोकेटेड इन क्लियर सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, यानी क्या साउंड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पता चला पेपर वेपर हॉर्न बज रहा है वहीं पर और वहीं पर आप बैठे काम कर रहे हो तो कर चुके काम, ठीक है। देयर आर मैनी एसेसरीज डेट यू कैन बाय टू इंश्योर गुड इर्गोनॉमिक्स, आप कई चीज़ें खरीद सकते हो टू हेल्प योर नी योर वेस्ट स्ट्रेट, यू कैन यूज वेस्ट आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो, किसका वेस्ट रेट्स का यूज कर सकते हो, ओके, एंड एडजस्टेबल कीबोर्ड ट्रे हेल्प्स यू टू इंश्योर दैट योर कीबोर्ड इज द फॉर द प्रॉपर हाइट, आप क्या कर सकते हो, मैं कीबोर्ड की हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हो, अगर उसमें क्या हो एक हाइट एडजस्ट करने वाली उसमें ट्रे हो तो हमें क्या होना चाहिए, ऐसी ट्रे बनवानी बनानी चाहिए या ऐसी ट्रे होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आया ना बेटा।
प्रॉपर हाइट में एडजस्ट होना चाहिए, ये भी नहीं कि आपके हाथ ऐसे हैं, नहीं तो ऐसे ही हैं, आपके हाथ क्या होना चाहिए एकदम नॉर्मल होने चाहिए सब यूज कर रहे हैं। अ चेयर हैज काउंटर काउंटर सीट एंड गुड लोअर बैक सपोर्ट शुड बी चूजन, जिसमें लोअर बैक का सपोर्ट उसको चूज करना चाहिए, ठीक, ताकि आपके जो इमीडिएट इमीडिएट बैक बोन है, जो आपका इमीडिएट बैक बोन है उसमें आपको फर्क पड़े, वहाँ पे आपको सपोर्ट की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, ठीक है। यू कैन यूज मॉनिटर स्टैंड टू इंश्योर डेट द मॉनिटर हाइट इज अप्रोप्रिएट, मॉनिटर स्टैंड होना चाहिए आपके पास, टू कीप योर फ्लैट फीट यू कैन यूज फुट रेस्ट, आपको फुट रेस्ट का भी यूज करना चाहिए, आप जिससे क्या करेंगे इस बात को इंश्योर कर पाएंगे कि आपकी क्या है पैर जमीन पर प्रॉपरली रखे हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको अपनी हेल्दी ट्रिप्स को प्रमोट करना है, प्रमोटिंग योर हेल्दी हैबिट्स, व्हाइल यू आर वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर फॉर लॉन्ग आवर्स यू शुड फॉलो दीज हेल्दी हैबिट्स, क्या क्या हैबिट हमें फॉलो करना है। फर्स्ट, यू शुड गो फॉर अ शॉर्ट वॉक एटलीस्ट वंस एवरी आवर, चलो एक घंटा वाला मैं भी घूम टहल के भी आता हूँ, ठीक, ये होना चाहिए आपके अंदर। यू शुड गो बैक टू वर्क ऑनली आफ्टर स्प्लैशिंग कोल्ड वाटर ऑन फेस मेकिंग श्योर डैट इट इज थोरली रेजिन योर आईज, आपको क्या करना चाहिए अपनी आंखों को साफ कर लेना चाहिए एक घंटे बाद ठंडे पानी से, अपने आपको फेस को साफ कर लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट, यू शुड टेक द ब्रेक ऑफन एंड लुक एट द कलर्स एंड विजुअल्स दैट डू नॉट स्ट्रेन द आईज, ठीक है, ये भी आपको सही समझ में आना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। यू शुड टेक ब्रेक्स, आपको ब्रेक्स लेनी चाहिए कुछ समय में, आपको एक आराम लेना चाहिए और आपको उस कलर्स और विजुअल को देखना चाहिए जो आपकी आंखों पे स्ट्रेन ना डालें, जैसे कि मैं ब्लैक को देखने की कोशिश करता हूँ या डार्क कलर को देखने की कोशिश करता हूँ, डार्क कलर ऐसे कलर होते हैं जो आपकी आईज पे स्ट्रेन नहीं डालते, आप व्हाइट कलर देखोगे या कुछ ऐसे लाइट कलर देखोगे तो आपको आँख में चुभते हैं, मुझे तो चुभते हैं भैया, अब आप लोग स्पेशल हो तो मैं नहीं कह सकता, ठीक है, मेरे को डार्क कलर ज़्यादा पसंद है, जैसे ब्लैक माय फेवरेट ना। अच्छा, किसका किसका फेवरेट कलर ब्लैक है जल्दी कमेंट करके बताना, जिसका नहीं है ब्लैक कोई बात नहीं। ओके, नाउ फोर, यू शुड स्टैंड अप वॉक अप टू योर विंडो एंड देन लुक एट द ट्रीज एट अ डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट एट द डिफरेंट डिस्टेंस सो दैट द फोकसिंग ऑफ योर आईज गेट्स सम एक्सरसाइज, होता है क्या है ना बेटा, ऐसे कि आप स्क्रीन पर लगातार देख रहे हो, लगातार स्क्रीन देख रहे हो, जैसे मैं लगातार आपको पढ़ा रहा हूँ तो स्क्रीन देख रहा हूँ, तो होता है क्या कि मेरे आई का जो फोकस होगा वो केवल मेरे स्क्रीन पर रहेगा। हाँ, आप लोग देखते हो कि मैं आपको बताते बताते कई बार कैमरे से बाहर देखने लग जाता हूँ, ऐसा मैं क्यों देखता हूँ कि मेरा फोकस है आई का ना केवल स्क्रीन पे है, तो केवल स्क्रीन पे ना रहे इसके लिए मैं इधर उधर अगल बगल देखता हूँ, ऐसा आपको भी करना चाहिए, जैसे आपकी आई का फोकस चेंज होगा और जो आई का फोकस चेंज होगा उससे आपकी आई को रिलैक्सेशन मिलेगी, ताकि उसके ऊपर बिल्डअप नहीं, प्रेशर नहीं, उसको एक जगह काम करना है। तो इसी पॉइंट के साथ आपकी इस चैप्टर का द एंड होता है। आई थिंक यू आर इंजॉइंग द वीडियो लेक्चर सीरीज, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड कमेंट है। जिसको भैया चीज़ें नहीं समझ में आती, कोई प्रॉब्लम हो रही है भैया वीडियो डिसलाइक ना क्या करो, कमेंट लिख दो ना, बता दो कि सर हमको ये चीज़ नहीं समझ आई, हम बताएंगे दोबारा से, इसमें डिसलाइक क्या करना है। हाँ, और हाँ, ये आपका होमवर्क है, भूलिएगा नहीं, मेंटेनिंग का हार्डवेयर, ये आपका क्या है असाइनमेंट है, इसको आपको करके देना है। ओके, सो ये हो गया आपका चैप्टर खत्म, कंप्यूटर सिस्टम, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, आपने देखा है इसलिए आपका धन्यवाद, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, आपको कमेंट भी करना है। अब हाँ, यहाँ तो क्या लिखा हुआ है आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मेरी वीडियो आ रही होगी, यहाँ लिखा है टाइम फॉर रिव्यू, क्या लिखा है बेटा, टाइम फॉर रिव्यू, तो आप एक रिव्यू कर दीजिए, टाइम ऑफ रिव्यू, आप इसमें रिव्यू कर दीजिए, रिव्यू में क्या लिखेंगे, जो भी आपको अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो, एंड बाय, take care, stay home, stay safe.